कोई मोदी जी गणितज्ञ नहीं है, कोई मोदी जी योजना के स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई मोदी जी का पूरे देश का भौगोलिक पृष्ठभूमि का निर्माण करने की बात होती है, विकास करने की बात होती है, सद्भाव स्थापित करने की बात होती है, तो भाजपा और मोदी तार तार होकर के केवल गुमराह करने का, विश्वासघात करने का, धोखा देने का राष्ट्र को, इनके पास और कोई चारा नहीं बचा, ये केवल विश्वासघात की राजनीति करते आए हैं। मैं देश से पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी कब निकलोगे तुम चुनावी मूड से, कब निकलोगे तुम चुनावी मूड से, और कब देश की बातें सुनोगे, कब शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य नौकरियां और सुरक्षा पर बात करोगे? हमेशा तुम चुनावी मूड में रहते हो, तुम करते हो पीएमओ के कर्मचारियों की मीटिंग और वहां पर गुणगान करते हो आप अपनी योजनाओं का और बुराइयां करते हो कांग्रेस की। अरे उससे निकलो, देश चलाओ, देश चलाओ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, देश से बेरोजगारी समाप्त करेंगे। और ये कहते थे कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, कोई भाजपा में शामिल होने के लिए बोलते थे ना वो तो। हाँ तो वही किए ना कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने बड़े भ्रष्टाचारी थे जिन पे आरोप लगाए थे उन्हीं को गले लगा लिए। आप ढपोर शंख का काम किए, आप केवल उलझरूल बात करते थे। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं और उनके साथ में उनके मंत्रीगण शपथ ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद में जो एनडीए के सहयोगी हैं उनके अंदर काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन अब एक स्वर भाजपा के खुद के सांसद ने भी उठा दिया और उन्होंने कहा है कि मैं अब मंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं भी फिल्मों के ऊपर अपना काम पर ध्यान देना चाहता हूं। तो क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ लेते ही साथ उनके साथ में परेशानियाँ शुरू हो गई हैं? कहते हैं कहावत है गाँव के अंदर, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अब सिंधे गुट अलग नाराज है, NCP नाराज है और KDP भी नाराज है, नीतीश कुमार भी नाराज हैं, सारे सहयोगी नाराज हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को 5 साल लिए एक कमज़ोर सरकार चलानी पड़ेगी क्या? देखिए 5 साल तो ये सरकार नहीं चला पाएंगे, उसके तमाम कारण हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि भाजपा को अपने प्रतिद्वंदियों से कम और अपने लोगों से ज़्यादा खतरा है, इसलिए कि इनके अंदर इतना मानसिक दबाव है भाजपा के नेताओं पर कि वो मोदी के दबाव का प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम समझते हैं कि विपक्षियों की बात छोड़ दीजिए, ये जो भाजपा के अंतःकलह में जो आग लगी है, अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, भाजपा के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। और रह गया सवाल कि अभी तो सरकार बनाए हैं, अभी जंग की शुरुआत ही नहीं आपकी हुई, अभी जब आप बहुमत में आएंगे, सदन में आएंगे, 10 साल आपने जो सरकार चलाई है वो एक पक्षीय सरकार है, विपक्ष भी नहीं था, 10 साल आपने विपक्ष के बैगर सरकार चलाया है, विपक्ष भी है और राहुल गांधी भी है विपक्ष के रूप में। आपको जवाब देना होगा इस बार हाउस में, इस बार हाउस में सरकार चलाना भाजपा के लिए राहुल गांधी का आभा, राहुल गांधी का तप, राहुल गांधी की तपस्या से भाजपा का जो जीना है वो उड़ चुका है, इसलिए कि मोदी भी जानते हैं कि इस बार राहुल गांधी को सीधे फेस करना है। अब तक के पर्दा के आड़ में अपना बचाव कर लेते थे, लेकिन आज जो स्थिति है सरकार में, विपक्ष का नेता राहुल गांधी होंगे और राहुल गांधी का मोदी जवाब दे नहीं सकते। जैसा कि सब लोग, पूरा हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी आडंबर की सरकार चलाई है, विश्वासघात की सरकार चलाई है, अलोकतांत्रिक सरकार चलाई है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि 10 साल में 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में देश में कुछ नहीं। सरकार बनते ही साथ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमला बोल दिया और शेयर मार्केट के अंदर 30 लाख करोड़ रुपये घोटाले का उन्होंने JPC की गठन की मांग की है। तो क्या लग रहा है ये 5 साल जो है राहुल गांधी जिस तरह से आक्रमक हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी घेरने में कामयाब रहेंगे? राहुल गांधी को घेर वो सामान्य बात है, कोई मोदी जी गणितज्ञ नहीं है, कोई मोदी जी योजना के स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई मोदी जी का पूरे देश का भौगोलिक
पृष्ठभूमि का निर्माण करने की बात होती है, विकास करने की बात होती है, सद्भाव स्थापित करने की बात होती है, तो भाजपा और मोदी तार तार होकर के केवल गुमराह करने का, विश्वासघात करने का, धोखा देने का राष्ट्र को, इनके पास और कोई चारा नहीं बचता। ये केवल विश्वासघात की राजनीति करते आए हैं और ये आगे भी जारी रखेंगे। मैं बार बार आपके चैनल पर कहते आया हूँ कि ये अंतिम मोदी की आभा जो है कसौटी पर चढ़ चुकी है, इनका तप चढ़ चुका है, इनका देश को गुमराह करने का जो है पाप चढ़ चुका है, आ इस बार पाप का अंत होना निश्चित है। जय हिंद। क्या कहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्रीगण ने शपथ ली है, वो सर मंडाते ही ओले पड़ गए, सहयोगी नाराज बताए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें कैबिनेट मंत्री बनाओ, हमें आला मंत्रालय दो, हमें ये दो, हमें वो दो। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने की आदत ही नहीं है। 10 साल उन्होंने अपनी मनमर्जी की सरकार चलाई है। सबसे पहले भाजपा को सरकार बनाने के लिए धन्यवाद। और जहां तक जनता की बात है, जनता ने विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने कहा कि जो है यहाँ रोकने का काम किए, कम से कम तानाशाही को ख़त्म करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को, समझदार जनता को, महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आप विपक्षियों की बात कर रहे हैं कि वो सिर मुलाते ओले पड़े सरकार के ऊपर, तो सरकार कहाँ बन रही थी? 240 पे आप हैं, जो आप पूर्ण बहुमत की सरकार चलाए और तानाशाही की तरह चलाए, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलाए, जनता की न आवाज़ सुन रहे हैं, न सांसद जो चुने हुए थे अन्य विपक्षी दलों की न आवाज़ सुनते थे, जो जनता की आवाज़ गांव से चलती थी वो इधरे रोकने का काम करते थे, आप ढपोर संघ का काम किए, आप केवल उलझलूल बात करते थे, कभी महिलाओं के मंगल सूत्र की बात करते थे कि वो लोग छीन ले जाएंगे, कभी दो भैंस में से एक भैंस छीन ले जाएंगे, यहाँ तक कि मुजरे पर उतर आए। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा नहीं है। अगर केवल नरेंद्र मोदी जी बोलते तो अच्छी बात थी, क्षम्य था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जैसे इतने बड़े पद पर होकर इतनी गिरावट, तो यह जनता बर्दाश्त नहीं की। दूसरी बात जो वाजिब बात थी, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, उस पर प्रधानमंत्री जी कोई अमल नहीं किए, उस पर कभी बोले नहीं। वो कहते थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, देश से बेरोजगारी समाप्त करेंगे, और ये कहते थे कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, कोई भाजपा में शामिल होने के लिए बोलते थे ना वो तो। हाँ, तो वही किया ना कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जितने बड़े भ्रष्टाचारी थे, जिन पे आरोप लगाए थे, उन्हीं को गले लगा लिए। सर में तो तब आती है जब अडानी अंबानी को कहे थे कि अडानी अंबानी बोरों में पैसा भरकर टेम्पू से लाद कर शहजादे के यहाँ भेज रहे हैं, इनकी ईडी सीबीआई और इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, और उसके बाद उन्हें न्योता दे के बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठाए थे जब अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो मोदी जी को क्या समझा जाए? मोदी जी एकदम ढपोर संखी हैं, छल करने वाले हैं, इनसे जनता का विश्वास उठ गया है और जनता ने नकारा। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा, महान जनता ने नकारा। हम महान जनता को बधाई देते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री को आपने बदलने का काम किया। क्या कहेंगे ये जो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण के बाद में सहयोगी नाराज बताए जा रहे हैं, कोई कह रहा है हमें कैबिनेट मंत्री बनाओ, कोई कह रहा है हमें मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, और अभी भाजपा के सांसद भी मतलब नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अजीत पवार साहब और प्रफुल्ल कुमार ने साफ साफ, प्रफुल्ल पटेल पटेल ने साफ साफ मना किया है कि अगर आप सिंधे कुछ भी नाराज बताए जा रहे हैं, आप पूरी बात तो सुन लीजिए, जो भी गुट है अब सब धीरे धीरे आएंगे। वो कह रहे हैं हम अपना स्तर नहीं गिरा सकते, हम कैबिनेट मंत्री थे, हमें कैबिनेट मंत्री चाहिए। तो मैं कहता हूँ अमित शाह से, इनसे सीख लो, प्रधानमंत्री तुम्हें गृह मंत्री से प्रमोशन से डिमोशन कर रहा है और तुम वहाँ पे राजी हो। इन लोगों से सीखो, इन नेताओं से सीखो जिन्होंने अपना जमीर नहीं बेचा, अपने लिए पद पाने के लिए कहीं अपनी जो लालसा नहीं दिखाई। उन्होंने कहा हम बनेंगे तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, और कोई सवाल? तो सहयोगी जो नाराज बताए जा रहे हैं, क्या लग रहा है ये जो अब सरकार जो है लंबी चल पाएगी, गिर जाएगी बीच में? बात लंबी है उसकी है ही नहीं, अभी तो 543 सहयोगी नाराज होंगे तो फिर बाद में सरकार गिरेगी, बात ही नहीं समझ रहे। अभी तो पहले पूरे सांसद 543 सांसदों की शपथ तो होने दीजिए, विभाग तो बटने दीजिए, विभाग तो बटने दीजिए। आप अभी ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्या नायडू साहब को अपना पद की शपथ हो गई? क्या नीतीश कुमार को अपने पद की शपथ हो गई? न जाने क्यों नरेंद्र मोदी को हड़बड़ाहट है, हड़बड़ाहट में आपने 2 ही दिन बाद शपथ करा ली।
आप जब 2014 और 2019 में चुन के आए थे, 10-10 दिन आप शहर भर में, दुनिया भर में टहलते रहे, देश भर में टहलते रहे, तब आपने जाके 10-10 दिन बाद शपथ ली। ऐसी कौन सी जल्दी थी? आपको डर था ईडी का, आपको सीबीआई का डर था, आपको सांसदों का टूटने का डर था। आप सांसदों के टूटने का नहीं, उसे अपने जेल जाने का डर था। सांसद टूटने और वो तो बात की बात थी, तो क्या अब नहीं हो सकता? क्योंकि जब ये किसी के साथ तालमेल, अब तो सबसे शर्मनाक बात है, कल हमारे कई यात्री मरे, और ये देखिए आतंकवादी हमले में जम्मू कश्मीर में। नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब सुनिए। ऊपर लिखा शपथ ली प्रधानमंत्री ने, अरे मेरी बात आप, मेरा मतलब तो सुनिए। इसमें अमित शाह ने और योगी आदित्यनाथ जी ने दुख प्रकट किया है, मगर ये गोदी मीडिया चैनल का सबसे बड़ा पेपर है, इसमें कहीं नरेंद्र मोदी ने कोई शोक प्रकट नहीं किया, और ऐसे ही ना जाने कितने गोदी मीडिया पेपर और ना ही न्यूज चैनल में कोई भी हेडिंग नहीं है कि प्रधानमंत्री चुप रहो यार एक मिनट, प्रधानमंत्री ने कहीं अपना शोक प्रकट किया हो। सबसे बड़ी बात ये, और आज एक और दुर्घटना, एक आज और एक घटना हुई है। सुबेरे एक मीटिंग थी पीएमओ कार्यालय कार्यकर्ताओं कर्मचारियों की, पीएमओ कर्मचारियों की, आप अपना 500 का जब 5 साल का एजेंडा बता रहे थे कि हमें ऐसा काम करना, आधा एक मिनट बोले और फिर पता नहीं कहाँ दिमाग घूम गया। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये किया वो किया, और यह अपनी योजनाएं गिनाने लगे। अरे तुम करने क्या गए हो? पीएमओ की मीटिंग कर रहे हो अगले 5 साल के बताने के लिए कि हमारे काम कैसे चलेंगे, और तुम फिर कांग्रेस तो नेहरू जी को हर चीज में जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मेरी बात नहीं, मैं देश से पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी कब निकलोगे तुम चुनावी मूड से? कब निकलोगे तुम चुनावी मूड से, और कब देश की बातें सुनोगे? कब शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य नौकरियां और सुरक्षा पर बात करोगे? हमेशा तुम चुनावी मूड में रहते हो, तुम करते हो पीएमओ के कर्मचारियों की मीटिंग और वहां पर गुणगान करते हो आप अपनी योजनाओं का और बुराइयां करते हो कांग्रेस की। अरे उससे निकलो, देश चलाओ, और कोई सवाल? कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश चलाने वाली बात करते नहीं, इलेक्शन मोड में रहते हैं 24 घंटे। बात तो सही कही उन्होंने, अपनी कुर्सी से मतलब है, बाकी देश जाए भेड़ में। 10 लाख का सूट पहनना है, 4 लाख की हेयर कटिंग करानी है, पाउंड बॉयल का चश्मा, सदरी भी 3-3 दिन में बदलना है। तो अभी तो अब हफ्ते भर में बदलेगी, क्योंकि ये सदरी नीतीश बाबू ने पकड़ ली, पजामा चंद्रबाबू नायडू ने, तो दोनों पकड़ने वाले आ गए। नारा इतना ढीला हो गया कि मोदी जी अब यूं चलेंगे दोनों हाथ बांध के। तो जब पजामा ढीला हो जाता तो आदमी का ध्यान पजामे पर रहता है, ठीक है ना? अब बैठे चाहे खड़ा रहे, लेकिन ध्यान पजामे पे ही रहेगा भाई। लेकिन एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी आप लोग की, कि डिजिटल मीडिया की, आप गोदी मीडिया तो नहीं हो ना फिलहाल? अरे आपको क्या लग रहा है? मैं अगर गोदी मीडिया हो तो आपसे कोई गोदी मीडिया ही लगता है क्या? अब आपसे क्षमा मांगते हैं अगर गोदी मीडिया, लेकिन दिमाग का इलाज करवाइए। डिजिटल मीडिया ने ऐसा काम कर दिया है कि मोदी जी को जो आज तानाशाही चलती थी आज बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। लोगों को जागरूक करने का काम सबसे ज्यादा लोकल मीडिया ने किया है।